12 जुलाई 2022 21वीं सदी में मानव इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन 70,000 करोड़ की मशीन यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के ताकतवर मिरर हमें उस ब्रह्मांड की ओर ले गए जो इससे पहले हमारे लिए एक कल्पना भर था। एक ही हफ्ते में इसके द्वारा ली गई इमेजेस ने पूरे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। हबल टेलीस्कोप से जो हम नहीं देख सकते थे वो हमने पहली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखा। जहां हबल को एक ही ऑब्जेक्ट और फील्ड की इमेज लेने में महीनों फोकस करना पड़ता था, जेम्स वेब कुछ ही घंटों के एक्सपोजर से बेहद हाई रेजोल्यूशन की इमेज ले सकता है। ये इमेजेस इतनी ताकतवर हैं कि पूरी साइंस को बदल कर रख सकती हैं। जेम्स वेब की मदद से हम वो ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं जिन्हें आज तक देखा नहीं गया था। इसकी मदद से ब्लैक होल्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है और साथ में पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स में मौजूद गैस और स्ट्रक्चर के बारे में भी ये पता कर सकता है। सूर्य के भविष्य को देखने के साथ साथ ये हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में लेके जाता है जहां हम हजारों गैलेक्सीज को एक साथ अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर उन गैलेक्सीज से हमें कोई एलियन देख रहा होगा तो वो पृथ्वी को कभी नहीं खोज पाएगा। इन सभी रहस्यमय बातों और जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा हाल में ही ली गई 5 इमेजेस को समझने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। ये इमेजेस बहुत कुछ कहती हैं। इनमें मौजूद एक एक पिक्सल एक गैलेक्सी के बराबर है। तो आइए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ अपनी ब्रह्मांड की पहली यात्रा पर। आप एक चावल का दाना लीजिए और उसे आसमान से कंपेयर कीजिए। जितनी जगह पृथ्वी पर खड़े होकर चावल का दाना आकाश के विशाल आकार को ढकता है, उतनी जगह में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हजारों गैलेक्सीज को कैप्चर किया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जेम्स वेब की पहली इमेज में आकाश का एक छोटा सा ही एरिया कैप्चर है, पर इसमें इतनी गैलेक्सीज और स्टार्स हैं कि आपको इसे गिनने में ही कई दिन लग जाएंगे। इस इमेज को जेम्स वेब की पहली डीप फील्ड इमेज भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर ये इमेज किसकी है और ये हमें क्या बताना चाहती है। पृथ्वी से 4.6 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है SMACS-0723 गैलेक्सी क्लस्टर। ये क्लस्टर कई आकाशगंगाओं के ग्रुप से मिलकर के बना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है और फिर यही लोकल ग्रुप एक क्लस्टर का हिस्सा है। साल 2017 में हबल टेलीस्कोप ने इस क्लस्टर की ये इमेज ली थी जिसमें आप आसानी से कई गैलेक्सीज को देख सकते हो, पर हबल की इमेज ज्यादा क्लियर नहीं थी क्योंकि हमारी गैलेक्सी के स्टार्स और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत सी डिटेल को छिपा देते हैं। इसी कारण से हबल इस क्लस्टर की क्लियर इमेज नहीं ले सका। पर जब इस क्लस्टर की इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई तो उसने केवल 12.5 घंटों के एक्सपोजर में ही इस क्लस्टर की हाई रेजोल्यूशन इमेज ली। ये इमेज अब तक की सबसे क्लियर ब्रह्मांड की इमेज है और इस इमेज में क्लस्टर के साथ साथ कई ऐसी गैलेक्सीज भी कैप्चर हुई हैं जो बिग बैंग के तुरंत कुछ बाद बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप इन गैलेक्सीज को इस क्लस्टर में देखना चाहते हैं तो ये आपको फेंट रेड कलर में दिखाई देंगी। ये सब रेड शिफ्ट इफेक्ट के कारण होता है। वहीं आप यहां कुछ आकाशगंगाओं को मुड़ा हुआ भी देख सकते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन्हें खींच दिया हो। तो दरअसल ये लाइट के कारण होता है। ये जो स्ट्रेच गैलेक्सीज आप देख रहे हैं असल में जेम्स वेब ने कभी देख ही नहीं सकता है। ये किसी विशाल तारे या दूसरी गैलेक्सीज के कारण उसके पीछे छिप जाती हैं, पर इन्हीं गैलेक्सीज की ग्रेविटी के कारण छिपी हुई गैलेक्सीज से आ रही लाइट बैंड होती है और सीधा हमारे टेलीस्कोप में रिसीव होती है, जिससे हम इन गैलेक्सीज को देख तो पाते हैं पर ये हमें पूरी मुड़ी हुई और कहीं तो स्ट्रेच्ड और बैंड दिखाई देती हैं। इस इमेज में जो गैलेक्सीज आपको मुड़ी हुई और खिंची हुई दिखाई दे रही हैं, असल में ये आकाशगंगाएं इसी गैलेक्सी क्लस्टर के पीछे छिपी हुई थीं। इस क्लस्टर में मौजूद हजारों गैलेक्सीज की ग्रेविटी के कारण ही इन मुड़ी हुई गैलेक्सी से आ रही लाइट मुड़कर हमारे टेलीस्कोप में रिसीव हुई है, जिस वजह से हमें स्ट्रेच यानी खिंची हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी आप SMACS-703 गैलेक्सी क्लस्टर की सभी गैलेक्सीज को इस इमेज में साफ देख सकते हैं। 7 जून को ये इमेज ली गई और 12 जुलाई को पूरी दुनिया ने इसे पहली बार देखा। इस इमेज को लेने में जेम्स वेब ने 12.5 घंटों में कई वेवलेंथ पर इस क्लस्टर को ऑब्जर्व किया और अपने सबसे खास इंस्ट्रूमेंट यानी निरकैम की मदद से इंफ्रारेड वेवलेंथ पर इसकी इमेज ली। इंफ्रारेड के कारण जेम्स वेब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की कॉस्मिक धूल के पार बहुत आराम से देख सकता है, इसलिए इसके द्वारा ली गई इस क्लस्टर की इमेज अब तक की सबसे शार्प इमेज है। आप इंफ्रारेड में नहीं देख सकते हो, इसलिए नासा ने यह इमेज पहले इंफ्रारेड में ली और बाद में इसमें कलर डाल करके ये कंपोजिट इमेज बनाई है जो एकदम वैसी ही दिखाई देती है जैसे आप खुद ही अपनी आंखों से इस गैलेक्सी क्लस्टर को देख रहे हो। SMACS-0723 गैलेक्सी क्लस्टर हमसे बहुत दूर है, पर पहली बार हम एक स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसे इतने पास से देखने में सफल हुए हैं।
इस क्रिस्टल की इमेज भले ही हमने आज ली हो, पर जो हजारों गैलेक्सीज इसमें दिखाई दे रही हैं, वो 460 करोड़ साल पहले कैसी दिखाई देती थी, हम उस समय को ही देख पा रहे हैं। लाइट की स्पीड के कारण हम कभी भी इस क्लस्टर और किसी भी चीज को प्रेजेंट में नहीं देख सकते हैं। अगर इस क्लस्टर पर किसी गैलेक्सीज में किसी प्लैनेट पर मौजूद कोई सिविलाइजेशन हमारे क्लस्टर को ऑब्जर्व कर रही होगी और अपने टेलीस्कोप से मिल्की वे गैलेक्सी पर फोकस कर रही होगी, तो उन्हें भी हमारी गैलेक्सी 460 करोड़ साल पुरानी ही दिखाई देगी। उस समय वे सूर्य की जगह केवल धूल के विशाल बादल देखेंगे जिसमें कई स्टार्स बन रहे होंगे। न हमारी पृथ्वी होगी और न ही सोलर सिस्टम के कोई सबूत मिलेंगे। हम चाह करके भी इस क्लस्टर की किसी भी गैलेक्सी पर आज के समय कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए ही इसे देख सकते हैं। तो उसी कारण से यह टेलीस्कोप पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत खास बन जाता है। इस क्लस्टर की इमेज के बाद वेब टेलीस्कोप हमें ले जाता है एक ऐसे ग्रुप की ओर जहां 5 गैलेक्सीज एक साथ मर्ज यानी एक दूसरे में समाती हुई दिखाई देती हैं। इस ग्रुप को स्टीफन्स क्विंटेट कहा जाता है। असल में यहां 5 गैलेक्सीज दिखती हैं, पर केवल 4 ही गैलेक्सीज ऐसी हैं जो एक ग्रुप बनाती हैं। पहली विशाल गैलेक्सी यानी एनजीसी 7320 हमसे 4 करोड़ लाइट ईयर दूर है और इस स्टीफन क्विंटेट में केवल एक विजुअल वैल्यू रखती है, यानी इसका इस ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। और ये मेन ग्रुप की चारों गैलेक्सीज से 25 करोड़ लाइट ईयर आगे भी है। चलिए अब मैं इन 4 गैलेक्सीज पर लेके जाता हूं जो वास्तव में इस ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप की पहली गैलेक्सी एनजीसी 7319 है और दूसरी और तीसरी गैलेक्सीज एनजीसी 7318A और एनजीसी 7318B हैं। चौथी गैलेक्सी एनजीसी 7317 है। ये सभी चारों गैलेक्सीज एक गैलेक्सी ग्रुप बनाती हैं जो कि ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से बंधी हैं। ये गैलेक्सी ग्रुप सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला ग्रुप है। हर एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस पर डिटेल्ड स्टडी करता ही है। चलिए वापस इस इमेज पर आते हैं। अभी जो आप इस ग्रुप की इमेज देख रहे हैं, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की लेटेस्ट इमेज है जिसमें आप आसानी से इस ग्रुप को देख सकते हैं जो कि पृथ्वी से 29 करोड़ लाइट ईयर दूर है। इसमें पहली जो गैलेक्सी एनजीसी 7319 दिखाई दे रही है, वह अपने गैलेक्टिक कोर में एक विशालकाय ब्लैक होल को लिए रखती है जो भारी मात्रा में मैटर को अपने अंदर खींचता है। ये ब्लैक होल सूर्य से 2,40,00,000 गुना भारी है और आकार में बहुत विशाल है। इसी के साथ साथ आप इस गैलेक्सी की आर्म्स और डस्ट के बादल भी देख सकते हैं जो कि इस ग्रुप की गैलेक्सी के कारण हजारों लाइट ईयर में फैल चुके हैं। साथ में ये आकाशगंगा बेहद अधिक मात्रा में हाइड्रोजन को भी रिलीज कर रही है। दूसरी आकाशगंगाओं की ग्रेविटी के कारण ये लगातार हाइड्रोजन को रिलीज करके एक विशालकाय टेल यानी पूंछ बना रही है जो कि हजारों लाइट ईयर में फैली है। वहीं इस ग्रुप की 2 और गैलेक्सीज एक साथ मर्ज हो रही हैं। आप इन दोनों गैलेक्सीज के गैलेक्टिक सेंटर को मिलते हुए देख सकते हैं। इस मर्जिंग के कारण ये गैलेक्सीज विशालकाय गैस की शॉक वेव रिलीज करती हैं जो कि आकार में मिल्की वे गैलेक्सी से भी विशाल है। इस गैलेक्सी ग्रुप को देखकर आप अभी ये देख रहे हैं कि जब आकाशगंगा एक दूसरे से मिलती हैं तो वो किस तरह हाइड्रोजन को बाहर फेंकती हैं और गैस की शॉक वेव रिलीज करती हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रुप की यानी स्टीफन क्विंटेट की इमेज 15 करोड़ पिक्सल में ली है। करीब 1000 इमेजेस को लेकर के प्रोसेस करके स्टीफन क्विंटेट की बेहद सटीक इमेज तैयार की गई है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले हवल द्वारा ली गई इसकी इमेज में वैज्ञानिक बहुत सी कॉस्मिक डस्ट को भी ऑब्जर्व कर रहे थे, पर जेम्स वेब ने इन सभी को हटाकर अब तक की सबसे विशाल और क्लियर इमेज वैज्ञानिकों को दी है जो कई सालों तक हमें इस पर रिसर्च करने के लिए काम आती रहेगी। स्टीफन क्विंटेट के बाद जेम्स वेब ने 2 नेबुलास और एक एक्सोप्लैनेट के स्पेक्ट्रम यानी उसमें मौजूद गैसों को भी ऑब्जर्व किया है। आइए अब मैं इनकी सैर पर आपको लेके चलता हूं। पृथ्वी से 7600 लाइट ईयर दूर मौजूद है करीना नेबुला जो कि आकार में बहुत विशाल है। यह नेबुला वास्तव में एक स्टार फैक्ट्री है। यह हमेशा स्टार बनते ही रहते हैं। विशाल का एक कॉस्मिक डस्ट और गैस से बने इस नेबुला में कई स्टार क्लस्टर मौजूद हैं और साथ में ऐसे क्षेत्र भी मौजूद हैं जहां हमेशा तारे बनते ही रहते हैं। इन स्टार फॉर्मेशन वाले जोन में एक की इमेज जेम्स वेब ने ली है। एनजीसी 3324 नाम की स्टार फैक्ट्री यानी कि स्टार फॉर्मेशन रीजन बहुत विशाल है। ये कई लाइट ईयर्स में फैला है। पूरे करीना नेबुला में जो आप सबसे टॉप पर देख रहे हैं उसी रीजन में जेम्स वेब ने फोकस करके तारों के बनने की एक इमेज ली है। इस इमेज में आप एनजीसी 3324 की उस जगह को देख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा गैस है। ये गैस के बादल इस तरह से उभर रहे हैं जैसे कि विशालकाय पर्वत हो। इस रीजन में आप जो सबसे बड़ा गैस का पहाड़ देख रहे हैं उसकी चोटी यानी कि पीक ही 7 लाइट ईयर में फैली है। यानी अगर वॉयजर 1 इस पर चढ़ाई करे तो उसे इसकी पीक पर जाने में ही
120,000 साल लग जाएं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीना नेबुला वास्तव में कितना विशाल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रीजन में आखिर गैस के पहाड़ कैसे बने हैं, एक नेबुला में यह सब कैसे होता है। तो जैसे ही कोई नया स्टार बनता है वो विशालकाय गैस के जेट्स छोड़ता है। इन जेट्स को प्रोटोस्टेलर जेट भी कहा जाता है। तो आप जो उभरे हुए गैस के बादल और स्ट्रक्चर इस इमेज में देख रहे हैं वो असल में इन्हीं नए स्टार्स के द्वारा बने हैं। NGC 3324 की ये इमेज हमें नए तारों के बनने की प्रक्रिया के बारे में बताती है। वैज्ञानिक इसकी मदद से बहुत कुछ समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि तारे जब बनते हैं तो किस स्टेज में और किस तरह बनते हैं। हबल ने भी अपने वाइट फील्ड कैमरे से करीना नेबुला के इस रीजन की इमेज ली थी और जेम्स वेब के द्वारा ली गई ये इमेज वह ज्यादा क्लियर और विशाल है, जिससे वैज्ञानिकों के अलावा आप भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। करीना नेबुला के बाद जेम्स वेब ने एक और नेबुला को अपने मिरर में कैप्चर किया है। ये नेबुला हमारे सूर्य का भविष्य है, यानी जब हमारा सूर्य अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा तो इसी तरह से ही स्पेस में अपना सारा मास रिलीज करता रहेगा और फिर एक वाइट ऑफ स्टार में बदल जाएगा। पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर दूर जेम्स वेब ने इसी तरह के एक नेबुला को कैप्चर किया है। इसे अपने आकार और पृथ्वी से दिखाई देने वाली दिशा के कारण सदर्न रिंग नेबुला भी कहा जाता है। आकार में आधे लाइट ईयर में फैला हुआ यह नेबुला अपने सेंटर में एक वाइट ऑफ स्टार के कारण इतना ग्लो कर रहा है, पर इसके छोटे आकार के कारण आप इस इमेज में इसे साफ नहीं देख सकते हो। वहीं अगर आप इस नेबुला की वेब टेलीस्कोप द्वारा मिड रेंज इंफ्रारेड कैमरे से ली गई इमेज देखें तो आप दो तारों को इसके सेंटर के पास देखेंगे और तीसरे तारे को उसकी साइड पर यह तीसरा तारा इस नेबुला से कोई मतलब नहीं रखता है। सेंटर में ये दोनों बाइनरी स्टार हैं। इनमें से जो फेंट यानी धुंधला स्टार है ये आकार में सूर्य से छोटा है और करीब 1,00,000 डिग्री सेल्सियस गर्म यह तारा ही अपना सारा मास स्पेस में रिलीज कर रहा है, इसलिए बहुत ब्राइट और विशाल नेबुला हमें दिखाई दे रहा है। जब हबल ने इसकी इमेज ली थी तो उसमें काफी डस्ट हमें नजर आ रही थी, और जेम्स वेब की इस नई इमेज में आप आसानी से इस नेबुला से उड़ रही धूल देख सकते हैं और साथ में इसकी साइड में आप एक गैलेक्सी को भी देख सकते हैं जो पहली बार वैज्ञानिकों ने इस नेबुला के पास देखी है। इस नेबुला के बाद भी जेम्स वेब ने एक एक्सोप्लैनेट के स्पेक्ट्रा को रीड किया है। पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर दूर वास्प 96 भी एक काफी गर्म गैस से बना हुआ ग्रह है। वेब टेलीस्कोप ने इसी के स्पेक्ट्रम को रीड किया है। अलग अलग वेवलेंथ और इंटेंसिटी पर इस ग्रह से टकराकर आ रही लाइट से वेब टेलीस्कोप ने इसके कई केमिकल सिग्नेचर लिए हैं जो हमें इसमें मौजूद गैसेस के बारे में बता सकते हैं। एक स्पेक्ट्रा हमें अलग अलग लाइट बैंड के आधार पर गैस के बारे में बताता है। इसकी मदद से हम स्टार्स में कई तरह की गैस को डिटेक्ट कर पाते हैं। वेब ने अपने स्पेक्ट्रोग्राफ यानी निरस्पेक की मदद से इस ग्रह पर पानी के होने का पता लगाया है। फिलहाल अभी हम इस ग्रह पर वाटर वेपर को ही डिटेक्ट कर सके हैं, पर भविष्य में हमें इससे काफी उम्मीद है कि हम इस ग्रह पर बहुत कुछ पता कर पाएंगे। यह ग्रह जिस स्टार की परिक्रमा करता है वो हमारे सूर्य के बराबर आकार का ही है, मास में जुपिटर से आधा और आकार में उसे 25% बड़ा होने के कारण ये ग्रह रुई की तरह नरम दिखाई देता है, पर सच्चाई क्या है वो भविष्य में हमें वेब टेलीस्कोप ही बता सकेगा। दोस्तों फिलहाल जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स की इमेज रिलीज की है। वेब के सभी मिरर अलग अलग तरह से इन इमेजेस को कैप्चर करते हैं और फिर एक सेंटर प्रोसेस्ड इमेज बनती है जिसमें नासा कलर भरकर हमें उस तरह से दिखाता है जैसे हमें ब्रह्मांड में अपनी आंखों से दिखाई दे। बस फर्क इतना है कि वेब के विशाल मिरर के कारण हम इसमें धूल के पार भी देख सकते हैं, इसलिए इन सभी ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस हमें काफी क्लियर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। खुलकर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ सही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।